आपको क्या लगता है कि हम इस मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस में इस कदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, मतलब इतना गिर चुके हैं, और उसके बाद हम जो है G20 के पीछे पड़े हुए हैं, उनके मेंबर्स को रिक्वेस्ट करें, आपको लगता है कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे? अगर हमारे पास अब एटम बम ना होता तो अभी तक जो है ना बलोचिस्तान ने कहीं और चले जाना था, ठीक है, कराची ने MQM को ले जाना था कहीं और, MQM ने कराची को ले जाना था, और साथ में पंजाब को पंजाबिस्तान बन जाना था, और साथ में कश्मीर ने पहले अलहदा हो जाना था। और बलोचिस्तान का क्या कहें? मैं तो पहले कह रही हूँ बलोचिस्तान ने भी अलहदा हो जाना था, वहाँ पे तो पहले ही आज़ादी की तरीके चल रही हैं, ठीक है। आधा मुल्क हमने बांग्लादेश बना दिया है, आधा हमने लद्दाख बना दिया, ठीक है ना, चलती उसी की है जो चौधरी है, हमें जो चौधरी है उसको चौधरी मानना चाहिए। अब जो रीजनल बात करें ना, रीजन में तीन चौधरी हैं, एक चाइना, एक इंडिया और एक रशिया है। आपके कहने पे यहाँ पे बस नहीं रुकती तो G20 समिट क्या रुकेगी? अगर उनका एक बंदा जो है इंडिया का, जैसे रतन टाटा हो गया, वो उसके अकेले के पास इतना पैसा कि पाकिस्तान के पूरे कौमी खजाने के पास उतना पैसा नहीं है। हम उनको गलत भी कहते हैं कि हम IMF से जान छुड़ाना चाहते हैं, IMF ने ये किया, IMF ये करता है, और साल में कटोरा लेके उनके पास पहुंच भी जाते हैं। हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं जी चाय ना पिए, चाय बहुत महंगी है, एक गरीब आदमी चाय के अलावा पीता क्या है? इंडिया पाकिस्तान में लोग सुबह उठते हैं चाय पीते हैं, शाम को चाय पीते हैं, दोपहर को चाय पीते हैं, एक गरीब की ज़िंदगी में एक चाय है, और लोगों को आप चाय का कप पिला। तो चाय भी जो है हम वो बैन हो गई, हमारे पास तो लोन को रीपे करने के लिए पैसे नहीं है। हमें पहले इन चीज़ों को देखना चाहिए कि पहले जो लोन हमने लिया उसको उसकी पेमेंट कैसे करनी है। इंडिया को हम उन ममालिक को कैसे मना कर सकते हैं? देखें, मना वो करते जिनकी इज्जत हो, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको आप कैसे कह सकते हैं कि आप इंडिया की समिट में ना जाएं? ठीक है ना, तो बेगर कांड भी चूज़र, वो पंजाबी में कहते हैं कि अपना घर ठीक करना चाहिए। इंडिया में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, ठीक है, पूरा पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा था। भारत G20 समिट श्रीनगर में कराने वाला, ये सुनने के बाद में अगर सबसे ज़्यादा कोई तड़फा मचला है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है किसी भी तरीके से G20 समिट का, चाहे पाकिस्तान के जो दोस्त माने जाते हैं वो उसका बायकॉट कर दे ताकि भारत को शर्मिंदा किया जा सके। इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार रिबा इमरान गई है पब्लिक के बीच में जानने के लिए क्या पाकिस्तान जो कर रहा है वो सही है या गलत है। तो रिबा इमरान को मिल गया एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान को ही बुरी तरीके से रोस्ट कर दी और पाकिस्तान को आईना दिखाने में उसने कोई कमी नहीं रखी। ऐसे तो मैं आपके लिए पाकिस्तान के एक से एक जाहिल लाते रहता हूँ, लेकिन इस बंदे ने जहालत के जितने भी स्टेज थे सब पार कर चुका है वो, और समझदारों की कैटेगरी में आ चुका है। तो इस बंदे को जरूर सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी अक्सर ऐसी बातें नहीं करते। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। अली, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि जो G20 समिट होने जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसे इंडिया होस्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान ने जो G20 के मेंबर्स हैं उनसे ये कह रहा है कि इसे रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि जो कश्मीर डिस्प्यूट टेरिटरी है इस वजह से पाकिस्तान जो है इस तरह की बातें जो है G20 मेंबर्स को कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह तो ये बात हुई ना कि अगर पाकिस्तान कोई समिट करवाना चाह रहा है अपने कश्मीर में, तो इंडिया G20 को तो नहीं ना कह सकता, या उन ममालिक को जो जहाँ पे आ रहे हैं कि भाई आप इसको ना करवाओ। ये जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान में इंटरनेशनल तंजीम जो OIC है, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, पाकिस्तान ने हेड किया है, तो इंडिया ने तो कोई रोला नहीं डाला कि आप इसको इस्लामाबाद में ना करवाओ, हम इस्लामाबाद को नहीं मानते, या इस्लामाबाद जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। बेसिकली ये तो इंडिया का हिस्सा था ना पहले, ठीक है, पूरा पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा था, कई जगह थी जो इंडिया का हिस्सा था। इंडिया ये भी कह सकता है कि यहाँ पे ये समिट नहीं होना चाहिए, ये तो पाकिस्तान, ये तो इंडिया का हिस्सा था, ये बात नहीं होती। इंडिया अगर करवा रहा है इसका मतलब ये है कि जब इंडिया ने वो एक स्पेशल स्टेटस था जो कश्मीर का, जब से इंडिया ने ख़त्म किया है, उसका मतलब है कि वो इलाका इंडिया के अंडर आ गया है। अब इंडिया की मर्ज़ी है, चाहे वो वहाँ पर G20 समिट करे या G1 सबमिट करे, उसकी मर्ज़ी है, वो वहाँ पे IPL कराए, वो वहाँ पे हॉकी खिलवाए, जो उनका दिल करता करवाए, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कहेंगे, कौन मतलब कौन कहेगा पाकिस्तान में, कौन कहेगा? आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो किसी को कहेगा कि यहाँ पे ना करो? वो तो भाई मीडिया पे आके कहता है कि वी आर बेगर्स एंड वी कांट बी चूज़र्स, ठीक है ना, तो बेगर कांट बी चूज़र,
वो पंजाबी में कहते हैं कि अपना घर ठीक करना चाहिए। इंडिया में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पेट्रोल कितना महंगा हो गया। इंडिया ने रशिया से पेट्रोल लेके अपने लोगों को सस्ता दिया पेट्रोल, आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि रशिया से पेट्रोल बाय कर सके, तो आप में ये हिम्मत कहाँ से आ गई कि आप G20 के ममालिक हो जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको आप कैसे कह सकते कि आप इंडिया के समिट में ना जाएँ। भाई देखें, उनका जो उनके जो इंटरेस्ट में है ना, जो उनको अच्छा लगता है वो करेंगे और वो करना चाहते हैं। पाकिस्तान किसी भी सूरत उनको रोक नहीं सकता। हमें तो अपने घर में बड़े इशू हैं, ये पिछले कोई 3 महीनों में हमने IMF के $900 मिलियन के चक्कर में अपने कौमी खजाने से $8.3 बिलियन का नुकसान कर लिया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको खसारा बोलते हैं, वो लेके हमें खा गया है। हमारे पास तो लोन को रीपे करने के लिए पैसे नहीं है। हमें पहले इन चीज़ों को देखना चाहिए कि पहले जो लोन हमने लिया उसको उसकी पेमेंट कैसे करनी है। इंडिया को हम उन ममालिक को कैसे मना कर सकते हैं? देखें, मना वो करते जिनकी इज्जत हो, हमारी तो इज्जत ही कोई नहीं है, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, ये नया शहबाज शरीफ जब से आगे बैठा, तो हमारी तो बिल्कुल इज्जत नहीं है। अगर इनको इतना ही है कि इंडिया G20 समिट क्यों करवा रहा है, तो भाई आप में हिम्मत है तो आप करवा लो। इंडिया ने ये तो नहीं ना कहा कि आप नहीं करवा सकते, आपके कहने पे अब कोई आएगा नहीं। क्योंकि हमेशा जहन में रखनी है बात, मेहमान उनके घर में जाते हैं जिन्होंने बंदोबस्त किया हो। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं 20 ममालिक के जो सरबरा उनको बुला के उन्हें मैं क्या कहूँ जी चाय नहीं पीनी? हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं जी चाय ना पिए, चाय बहुत महंगी है। एक गरीब आदमी चाय के अलावा पीता क्या? इंडिया पाकिस्तान में लोग सुबह उठते हैं चाय पीते हैं, शाम को चाय पीते हैं, दोपहर को चाय पीते हैं। एक गरीब की ज़िंदगी में एक चाय है, और लोगों को आप चाय का कप पिला, तो चाय भी जो है हम वो बैन हो गई हम पे। मैं वही तो कह रहा हूँ, हम लोगों हम अपने मुल्क के अंदर हम किसी को एक चाय का कप नहीं पिला सकते। दूसरे मुल्कों को हम कह रहे हैं इंडिया में G20 पे ना जाना, और भाई क्या हो गया आपको, कुछ होश के नाखुल ने जाएँ जाके IMF के तरले करें, $900 मिलियन उनसे लें, उसके बाद उनकी कड़ी शरायत माने। वो आप देखें $900 मिलियन के चक्कर में हम उन्हें कह रहे हैं कि हम ये भी बढ़ा देंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे, पाकिस्तान को गिरवी रख देंगे, कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान बेसिकली जो है ना, इस टाइम जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, बनाना रिपब्लिक बन गया हुआ है। तो हम बनाना रिपब्लिक वाले किसी को नहीं कह सकते कि आप सबमिट ना करवाएं, या बड़े ममालिक जैसे अब आप किस तरह रशिया को कह सकते कि इंडिया ना जाना। रशिया जो कि 60 सालों में पहली बार पाकिस्तान के करीब आ रहा था, उन्हें भी पता चल गया कि ये दोगले लोग हैं, ठीक है ना। ये अमेरिका का फ़ोन आता है ना, उनका एक चपड़ासी फ़ोन कर देना, हम यहाँ पे ऐसे लेट जाते हैं, आओ सारा जो तुम कहोगे वही होएगा। ये तो इनकी औकात है, ठीक है ना। हमें अपना देखना चाहिए। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, एक बहुत एक मामूली सौदा होता है, जैसे यहाँ पर कोई 18वें स्केल का ऑफिसर नहीं होता, इस तरह का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका वहाँ पर अमेरिका में। उसने हमारे एम्बेसडर को बुला के धमकियाँ दी कि भाई हम आपके पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं, अगर ये गवर्नमेंट चेंज ना होगी हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। उसकी एक धमकी पे हमने पूरा मुल्क लटा दिया उनके आगे, ठीक है ना। हमारे अपने घर के हालात ठीक नहीं, हमें क्या लगे इंडिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। देखो मुझे तो ये देखना चाहिए मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में चोर घुस जाए और मैं ये सोचूँ कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है, भाई मुझे पहले चोर को रोकना चाहिए ना कि उसको देखना चाहिए कि साथ वाले घर वाले क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कहते हैं पहले अपना घर संवारो, बाद में दूसरे की फिक्र आती है, ठीक है ना। आपने कुछ खाया पिया ना, आपका पेट खाली हो और आप जाके करोला गाड़ी ले आओ, पहले रोटी तो खाओ, अपने मसले मसाइल तो हल करो। ये IMF नाम की जोंक से जान तो छुड़ा लो। हम उनको गलत भी कहते हैं कि हम IMF से जान छुड़ाना चाहते हैं, IMF ने ये किया, IMF ये करता है, और साथ में कटोरा लेके उनके पास पहुंच भी जाते हैं। देखें हमारा अलमिया ये है कि हम उस मुल्क से कह रहे हैं कि आप यहाँ पे सबमिट ना करवाएं, जिस मुल्क का डिफेंस बजट हमारे डिफेंस बजट से 3-4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अगर उनका एक बंदा जो है इंडिया का, जैसे रतन टाटा हो गया, उसके अकेले के पास इतना पैसा कि पाकिस्तान के पूरे कौमी खजाने के पास उतना पैसा नहीं है। उनकी IT एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि पूरे पाकिस्तान की GDP उतनी नहीं है। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत हूं। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। तो भाई G20 समिट इंडिया के अंदर होगी, अगर आपने रोक ली मुझे भी बता देना कि हमने रोक ली है।
आपके कहने पे यहाँ पे बस नहीं रुकती तो G20 समिट क्या रुकेगी। तो बस ये मेरे ख्याल आते हैं G20 समिट के बारे में। इंडिया में होगी, दोबारा भी होगी, उसके बाद भी होगी। देखें इंडिया, हम कह रहे हैं जी रशिया पे पाबंदियाँ लगी, हम तेल नहीं खरीद सकते, तो इंडिया के अफगानिस्तान से तेल खरीद रहा है, बताएं उनके लिए पाबंदियाँ नहीं लगी। हम जो है डरते हैं, हम बेकारी हैं, बेकारियों की कोई भी इज्जत नहीं होती। जैसे अमेरिका देखें, अमेरिका कह रहा है जी इंडिया अगर लेना चाहे रशिया से तेल ले सकते हैं, हम उनके पार्टनर हैं, लेकिन हम उनको फोर्स नहीं कर सकते अपने किसी फैसले के अंदर, वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। हमारे मामला आते हैं, हमें कहते हैं जी हमें अड्डे देना, हमने यहाँ से बम मारना उस दूसरे मुल्क में। इंडिया से आप मच्छर नहीं ले सकते, हमसे आप अड्डे मांग रहे हो, और यहाँ पे रेडी बैठ गए हैं भाई अड्डे देने के लिए। इन्होंने अड्डा भी दे देना है, इन्होंने एयरपोर्ट भी दे देना है, इन्होंने अपने जहाज भी दे देने हैं, बल्कि इन्होंने तो सारा कुछ दे देना है। हो सकता है कि ये अपने हाईवे भी गिरवी रखा दें IMF के आगे, बहरहाल सबसे पहले IMF से जान छुड़ाएं, उसके बाद देखते क्या होता है। तो इस हिसाब से सर, मतलब जिस तरह आपने मतलब बातें की हैं, बातें तो आपने बहुत ज़्यादा जो है लॉजिक की हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे की हैं, मुझे ये बताइएगा सर कि आज की डेट में इस तरह तो इंडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज इंडिया की बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जो है आज की डेट में इंडिया की बात ज़्यादा मानी जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, और उस हम देखते हैं कि इंडिया जो है ज़्यादा वर्थ रख रहा है और सुपर पावर कंट्री बन गया, क्या कहना चाहेंगे? देखें, देखने वालों को भी और आपके लिए भी ये चीज़ मैं आसान कर देता हूँ, आसान अल्फाज में समझाता हूँ। एक इलाके के अंदर ना अगर 100 लोग रह रहे हैं ना, 100 लोगों के अंदर ना एक चौधरी होता है, ठीक है ना, चलती उसी की है जो चौधरी है, हमें जो चौधरी है उसको चौधरी मानना चाहिए। अब जो रीजनल बात करें ना, रीजन में 3 चौधरी हैं, एक चाइना, एक इंडिया और एक रशिया है, हम जो है ना वो मोहल्लेदार हैं उनके। अब इंडिया कुछ भी कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो अपने मसले मसाइल हल करने के लिए कुछ नहीं है। तो इंडिया जो है ना वो चौधरियों के अंदर है, चौधरियों के साथ उनका उठना बैठना है। अमरीका चौधरी के साथ लगा दे, रशिया चौधरी के साथ अब उन्होंने बना लिए हैं, उनसे धड़ाधर तेल ले रहे हैं, अपने लोगों को सस्ता दे रहे हैं। चाइना चौधरी के साथ भी अंदरले खाते में उनकी बनी हुई है, तो चौधरियों के साथ उनका उठना बैठना है। हमने थोड़ी कोशिश की थी चौधरियों के साथ, लेकिन हमें इज्जत रास नहीं आई। हमें वही लोग चाहिए जो कहें जी हाँ जी चौधरी साहब तुहाडा काम मैं कर दांगा। तो सर इस हिसाब से तो फिर हम जब चाइना की बात आती है ना, तो हम कश्मीर भी बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेशन में आ जाते हैं। जब चाइना की बात आती है तो चाइना जो है इगर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है, तब तो हम कुछ नहीं कहते, हमारी जेबों में पैसे गए हैं, क्यों हम कहें? ठीक है, जब वही कश्मीर की बात आ जाए तो हम जो है इतनी एग्रेशन में आ जाते हैं, और जो है वो बस धरनों पे धरना, और इतने टिपिकल माइंडसेट के साथ जो है काम कर रहे होते हैं कि हम बस अपनी जान भी दे देंगे लेकिन ईगर मुस्लिम्स पे कोई नहीं बोलता। देखिए, हम चाइना के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? हमारे पास इस टाइम टोटल $8 बिलियन खजाने में मौजूद है, 3 बिलियन चाइना का, 3 बिलियन UAE का, और अराउंड 2.5 बिलियन सऊदी अरेबिया का। अगर सुबह चाइना फ़ोन करे जी मुझे मेरे $3 बिलियन वापस कर दो, UAE फ़ोन कर दे, UAE की रिलेशन अच्छी इंडिया के साथ, इंडिया के जी इनसे अपने पैसे लें, और साथ में सऊदी के भी अच्छे रिलेशन है, अगर सुबह ये 3 मुल्क में फ़ोन करके कि हमारे पैसे वापस करो, तो हमारा हाल तो श्रीलंका वाला हो जाएगा। हमारे पास तो पेट्रोल बाय करने के या एक्सपोर्ट बिल पे करने के पैसे नहीं होने, ये जो थोड़े बहुत पैसे ही हमने दूसरे मुल्कों से मांगे तांगे के पैसे हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लेकिन कपड़े मैंने किसी और से लेके पहने हैं, वो मुझे कहे मेरे कपड़े दो मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा। तो यही बात है, जो ख़जाने में पैसे हैं वो किसी और मुल्क के हैं, जिन मुल्कों के उन्होंने अपने इंटरेस्ट देखने हैं, उन्होंने सिर्फ इसीलिए रखवाए हुए हैं पैसे पाकिस्तान को, वो कभी भी किसी भी टाइम जो है ना बटन दबा के जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी मनवा सके पाकिस्तान से। तो इंडिया जो है ना उसको भी पाकिस्तान के फैक्ट्स का पता है, सारा कुछ पता है। देखें इतने बड़े बड़े बजट खर्च कर रहे हैं हम डिफेंस के ऊपर, इतने बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, इंडिया में लोग बातें कर रहे हैं जी पाकिस्तान में इंडिया फ़ौज को इतना बड़ा बजट डालने की क्या ज़रूरत है, जब $300-400 million से पूरी हुकूमत चेंज हो जाती है, 20-20 करोड़ रुपया लेके वो MNA बिक गए, यानी $1-2 million लेके एक MNA बिक गया, 20 MNA ख़रीदो, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत ले आओ, तो अपनी मर्ज़ी के फैसले करवा लो। अब जो करंट गवर्नमेंट पाकिस्तान में है, क्या आपको लगता है कि वो किसी से जाके आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें? वो तो खुद डरे हुए हैं कि असम्बली में हमारे साथ क्या होने वाला है, उनको खुद नहीं पता कि सुबह उठ के मैंने वज़ीर आज़म होना है या नहीं होना। ठीक है,
दो सीटों पे ये गवर्नमेंट खड़ी है, कल गिर जाए, आज गिर जाए, परसों गिर जाए, एक अल्फी है उन्होंने जोड़ा हुआ है, जैसे ही अल्फी साइड पे होगी हुकूमत गिर गई। और कहाँ गया G20, कहाँ गया कश्मीर, कहाँ गया चाइना, ठीक है, आधा मुल्क हमने बांग्लादेश बना दिया, आधा हमने मजाक बना दिया। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लें फिर इंडिया। थिंक टैंकर्स तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है उसके थिंक टैंकर्स के ये कहा, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान के जो आगे आने वाले टाइम में तीन पार्ट्स हो सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान तीन हिस्सों में तकसीम हो सकता है। आपको क्या लगता है कि हम इस मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस में इस कदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, मतलब इतना गिर चुके हैं, और उसके बाद हम जो है G20 के पीछे पड़े हुए हैं, उनके मेम्बर्स को रिक्वेस्ट करें, आपको लगता है कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे? मैं कहता हूं कि अगर वो इस टाइम कहना हमें 2-3 करोड़ डॉलर की चाय पे पत्ती भेज दो, वो नहीं भेजेंगे। रिक्वेस्ट क्या एक्सेप्ट करनी है, उनके रिलेशंस हैं G20 में मालिक के। कभी ये हो ही नहीं सकता कि इस टाइम पाकिस्तान इस हालत में नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी मुल्क को कोई काम के वो उसकी बात माने। पाकिस्तान अपनी बात मनवाने की पोजिशन में नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक एटम बम है, ठीक है ना, पता नहीं वो भी चलेगा या वो भी न्यूट्रल है, ये मुझे खुद नहीं पता। अगर हमारे पास अब एटम बम ना होता तो अभी तक जो है ना बलोचिस्तान ने कहीं और चले जाना था, ठीक है, कराची ने MQM को ले जाना था कहीं और, MQM ने कराची को ले जाना था, और साथ में पंजाब को पंजाबिस्तान बन जाना था, और साथ में कश्मीर ने पहले अलहदा हो जाना था। और बलोचिस्तान का क्या कहें? मैं तो पहले कह दिया बलोचिस्तान ने भी अलहदा हो जाना था, वहाँ पर तो पहले ही आज़ादी की तरीके चल रही हैं, BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो तो वहाँ पे पहले ही उनकी जो है वो स्ट्रगल चल रही है, वो कहते हैं जी हमें अलहदा करो, हमें यहाँ पे फंड्स नहीं मिलते, पाकिस्तान में जो भी तरक्की हुई है सारी पंजाब में होगी, और पंजाब वाले कहते हैं जितनी तरक्की हुई सारी लाहौर में होगी है, लाहौर वाले कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ इस्लामाबाद में हो गया, इस्लामाबाद वाले कहते हैं जी हमें कुछ नहीं पता, बाहर अमरीका ने किया जो किया। देखिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ़ साजिश हुई है, साजिश कुछ नहीं होती। देखें आप है ना, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास हथियार हैं, आपके पास औजार हैं, हम कहते हैं जी हमारे खिलाफ़ साजिश हुई है, अगर हमें इतनी हिम्मत है तो हम क्यों नहीं किसी के खिलाफ साजिश कर लेते, चले जी अमेरिका साजिश कर रहा है, और भाई आपको किसने रोका है, आप भी साजिश कर लो, या अमेरिका कहता कि हम साजिश कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते, आप बैन लगाया हुआ है, या आलमी सेंक्शन है कि आप साजिश नहीं कर सकते, आप भी साजिश कर लो, इंडिया कर रहा है आप भी कर लो, अमेरिका कर रहा है आप भी कर लो, ये सिर्फ बहाने हैं जी फलाना साजिश कर रहा है, वो साजिश नहीं कहते, उसको कहते प्लानिंग। हर मुल्क अपनी अपनी प्लानिंग करता है, आपने ISI किस लिए बनाई है, इसलिए बनाई है कि आप दूसरों के खिलाफ साजिश कर सकें, दूसरों के खिलाफ प्लानिंग कर सकें, उनकी साजिश नाकाम बना सकें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी मैटर करती हैं, कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं करता, प्लानिंग करते हैं। हाँ आपकी एजेंसीज को चाहिए कि प्लानिंग को रोके, और मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर एटम बम ना होता तो अभी तक पाकिस्तान तितर बितर कोई इधर कोई उधर पता नहीं क्या क्या हो चुका होता है। ये तो शुक्र करें कि यहाँ पे हमारे पास एटम बम है, वरना पाकिस्तान का रशिया सोवियत यूनियन वाला हाल होना था, जिससे तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पता नहीं कौन कौन से स्थान निकले, वैसे यहाँ पे पंजाबिस्तान बलोचिस्तान अलहदा हो जाना था, उधर सिंधिस्तान अलहदा बन जाना था, यहाँ पे पंजाबिस्तान लहदा हो जाना था, साथ में कश्मीर वालों ने कहना था जी हम चाइना के साथ मिल रहे हैं, तो इस तरह करते करते पता नहीं क्या हो जाना था। शुक्र अदा करें कि लोग हमारी एटम बम भी से डर रहे हैं, ये एटम बम ने बचाया हुआ, वरना हमें कोई ऐसी बात नहीं है बचने वाली। और जो एटम बम जिसने बनाया उसके साथ क्या सलूक हुआ वो भी आपके सामने। वीडियो आपने पूरा देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जो विचार सबसे पहले आ रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए, और अगर आपने उन विचारों को कमेंट बॉक्स में नहीं उतारा तो आपको बेचैनी भी हो सकती है, आपके सर में दर्द भी हो सकता है, तो इससे अच्छा है जो दिमाग में चल रहा हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज आप सोच रहे होंगे मैं अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक कमेंट मेरे लिए भी कर दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाते रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।